Okay, तो आज जिन स्नीकर्स के बारे में बात करने वाला हूँ इट्स फ्रॉम एन इंडियन ब्रांड मेकॉय। दिस ब्रांड नीड्स अ लॉट ऑफ अटेंशन क्योंकि दिस इज दी ओनली ब्रांड हुज़ प्रोवाइडिंग परसेंट जेनुइन लेदर इन सच बजट फ्रेंडली प्राइजेस गाइस। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं दिस इज मी अचलैंड अगर आपको स्नीको पसंद है तो ट्रस्ट मी आप सही जगह आए हैं टू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे ऑल्सो आई एम सींग नाइन्टी वन परसेंट ऑफ यू आर वॉचिंग दीडियोज बट नॉट सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल तो भाई जल्दी जाकर सब्सक्राइब करो ताकि मैं आपके लिए सिर्फ फार फॉर कॉन्टेंट लाता रहूँ लेटो तो स्नीकर्स के बारे में बात करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट द ब्रांड फर्स्ट एज यू कैन सी ऑन साइट दैट दिस इज एन इन हाउस ब्रांड ऑफ गैलेक्सी इंटरनेशनल जो की ब्रांड्स एंड नाउ दे हैव स्टार्टेड देयर ओन ब्रांड एंड इससे आपको पता लग रहा होगा कि दिस ब्रांड वुड बी ऑल अबाउट क्वालिटी तो लेट्स गेट टू द डिटेल्स तो जैसे कि आप देख सकते हैं दो बॉक्स मेरे आ आगे तो दो स्नीकर मैं आज रिव्यू करने वाला हूं इस ब्रांड से बॉक्स दोनों के सेम है और जो भी इसके साथ मिलते सेम है तो एक बॉक्स को साइड रखते हैं लेट्स टॉक अबाउट द बॉक्स फर्स्ट ओके सो दिस इज द बॉक्स आपको ब्लू कलर का बॉक्स दिख जाएगा जो इनके ब्रांड कलर्स है दैट इज ब्लू एंड ऑरेंज जैसे कि आप इनके फ्रंट पे देख सकते हैं मेकॉय लिखा हुआ है जो इनका लोगो है एंड आपको यहाँ पे इनका सिंबल दिख जाएगा और यही सिंबल आपको आगे थोड़ा सा, -सा शाइनी मटेरियल में दिख जाएगा और पीछे भी सेम आपको शाइनी मटेरियल में दिख जाएगा आपको यहाँ पे इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा तो बॉक्स इज वेरी सॉलिड तो अगर आप इसमें से स्निकर मंगा रहे हो इवन दो शिपिंग में भी कुछ भी गड़बड़ होती है आई थिंक द बॉक्स इज सो गुड दैट आपके स्नीकर्स को कोई हार्म नहीं होगा तो एक बार इसको निकालते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट इट तो आपको इनका बटर पेपर दिख जाएगा ये ऑरेंज कलर में जो कि इनका जो लोगो है और मेकोए बना हुआ दिख जाएगा वो भी थोड़ा शू के शेप में बनाया हुआ है लुकिंग वेरी वेरी गुड द पैकेजिंग इज वेरी नाइस टू बी रेरी ऑनेस्ट इसमें आपको एक थैंक यू कार्ड मिल जाएगा जो कि आप देख सकते हैं इसमें आपको एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ लेसेज मिल जाएंगे व्हाइट कलर के ये आपको दोनों शूज में मिल जाएंगे अब बात करते हैं जो सबसे इंटरेस्टिंग लगे मुझे चीज जो की है ये डस्ट तो बैग तो इट्स नॉट अ डस्ट बैग इट्स मोर ऑफ अ डफल बैग जिसको आप कैरी कर सकते हो एंड uh, आप अपने शूज अगर कहीं घूमने जा रहे हो तो उसको बहुत आराम से लेके जा सकते हो आई लव दैट दे हैव दिस एंड आपको इसके लेकर so I'm really तो, okay, तो एक इसको बार बाहर निकालते हैं really okay, तो अंदर भी अलग से पैकेजिंग हो रखी है जैसे कि आप देख सकते हैं आई एबसोल्यूटली लव हाउ दे आर प्रजेंटिंग द शू तो एक बार अब बाहर निकाल के आपको दिखाता हूं ये राट लुक्स वेरी नाइस तो एक बार दूसरे भी निकालते हैं जो इनका नाम है दैट इज ऑल ओवर फ्लॉटर शूज

आपको पीछे जो है आपको मेकॉय लिखा हुआ दिख जाएगा और यहाँ पे ब्लू कलर में दिख जाएगा बहुत ही इंक ब्लू कलर में प्लेन लेदर मटेरियल में और यही इंक ब्लू आपको यहाँ पे लाइनिंग दिख जाएगी आपको यहाँ पे मेकॉय लिखा हुआ दिख जाएगा जो की काइंड ऑफ इम्बोस्ड है तो आपको बॉर्डर लाइन में परफोरेशन दिख जाएगी फॉर ब्रीदेबिलिटी एंड आपको यहाँ टंग की बिल्कुल स्टार्टिंग में भी परफोरेशन दिख जाएंगी और आपको यहाँ पे साइड में परफोरेशन दिख जाएगी आपको इसके साथ व्हाइट लेसेस मिल जाएंगे और जो टंग है वो आपको टम्बल लेदर में दिख जाएगा आपको टंक के ऊपर आते वही इंक ब्लू कलर मिल जाएगा और आपको सिल्वर कलर में इनकी ब्रांडिंग दिख जाएगी तो जो इसका सॉक लाइनर है वो आपको मैश मटेरियल में दिख जाएगा एंड इट्स फेली पैडेड आपको जो अंदर इंसोल है वो आपको यहाँ पे मेकॉय लिखा हुआ दिख जाएगा और एक बार इंसोल निकाल के देखते हैं जैसे की आप देख सकते हैं इंसोल दिस इज देयर बाउंस बैक टेक्नोलॉजी इट विल बी रियली कंफर्टेबल बहुत सॉफ्ट मेटीरियल है जैसे की आप देख सकते हैं मित्सोल जो है वो आपको टीपीआर मेटीरियल में दिख जाएगा और आपको जो पीछे वाला साइड है वो आपको उस पर लिनियर टेक्सचर दिख जाएगा और जो आगे वाला साइड है दैट इज प्लेन वेरी सॉलिड एंड इट्स लुकिंग वेरी वेरी गुड आप देखोगे काफी सॉलिड है द क्वालिटी इज अमेजिंग तो अब चलते हैं आउटसोल पे आउटसोल पे आप ट्रैक्शन देख सकते हैं द ट्रैक्शन इज वेरी वेरी नाइस आपको यहाँ पे मेकोई की ब्रांडिंग दिख जाएगी ओके तो इन ओपिनियन दिस लुक्स वेरी वेरी गुड एंड आप ऑन फीड भी देख सकते हैं ये आपके लिए परफेक्ट रहेंगे इट्स अ वेरी गुड लाइफ स्टाइल शू एंड आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू दैट अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में जो इसका रिटेल प्राइस है दैट इज फोर्टी फाइव हंड्रेड जो साइट पे लिखा हुआ है और ये आपको डिस्काउंट पे पड़ेंगे टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड थर्टी तो इनका फिफ्टीन परसेंट डिस्काउंट कभी कभी

क्वालिटी इज वेरी वेरी नाइस तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द अपर जो अपर है आपको जेन्युन लेदर मेटीरियल में दिख जाएगा और आपको उसके पूरे अराउंडेशन दिख जाएगी फॉर ब्रीदेबिलिटी तो आप देख सकते कितनी परफेरेशन है जो सेकेंड कलर है वो टैन कलर दिख जाएगा द स्वेड इज वेरी सॉफ्ट इन दिस आई एप से लूटली लव द स्वेड और वो आपको आगे टोबॉक्स पे जैसे की आप देख सकते हैं और आपको पीछे नीचे वाली साइड पे स्वेट दिख जाएगा और आपको स्वेट जो स्टार्टिंग है आईलेट्स की और जो लास्ट पार्ट है उधर दिख जाएगा और आपको उसके बीच में जो आईलेट है वो आपको लेदर मटेरियल में दिख जाएगा जो कि येलो कलर में और आपको यही पीछे दिख जाएगा आपको मेकोय की ब्रांडिंग दिख जाएगी तो आप टंग भी देख सकते हैं टंग जो है इसका वो लेदर मेटेरियल में है वो भी सेम वही येलो कलर में दिख जाएगा और आपको मेकोय की ब्रांडिंग दिख जाएगी ऊपर अब बात करते हैं इंसोल के बारे में इंसोल आपको सेम वही जो बाउंस बैक इंसोल है वही मिल जाएगा इनका एंड इट्स वेरी वेरी सॉफ्ट जो ऊपर वाला पार्ट भी है इट फील्स सो सॉफ्ट इट्स वेरी नाइस आपसे लूटली लव एंड आपको यहाँ पे मेकऑयल लिखा हुआ दिख जाएगा ओके okay, जो सॉफ्ट लाइनर है इट्स पैडेड एंड इन्होंने ऐसे रखा है कि लाइट और बहुत ही एलिगेंट इफेक्ट दे पूरे जो स्नीकर को तो अब बात करते हैं मिडसोल के बारे में जो मिडसोल है वो आपको ईवीए मिडसोल मिल जाएगा और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा दैट इट इज हैंडमेड और आपको जो आउटसोल का जो हिट्स है वो दिख जाएंगे तो आपका आउटसोल आप देख सकते हैं इट्स वेरी डिफरेंट मैंने आज तक ऐसा आउटसोल नहीं देखा जो पैटर्न है लुक्स वेरी आउट देर एब्सोल्यूटली लव द डिजाइन और आपको यहां पर मेकॉय लिखा हुआ दिख जाएगा एंड द आउटसोल इज